दो मरीज अस्पताल के बिस्तरों पर लेटे हुए थे। एक शख्स बैठने के काबिल था, एक का बिस्तर कमरे में मौजूद खिड़की के पास था, जबकि दूसरा शख्स पूरा दिन अपने बिस्तर पर लेटकर गुजारता था। खिड़की वाला शख्स बैठकर अपने पड़ोसी को सब बताता जो इसे खिड़की से नजर आता था। दूसरा शख्स वो सब सुनने का इंतजार किया करता था। खिड़की से एक बाग नजर आता था जिसमें खूबसूरत नहर भी थी। इस नहर में बच्चे खिलौना किश्तियां चलाते थे। मंजर बहुत दिल फरेब था। खिड़की के नज़दीक वाला बराबर लेटे हुए शख्स को तमाम तफसीलात बताता और लेटा हुआ शख्स तस्वर की दुनिया में खो जाता था। एक दिन नर्स कमरे में दाखिल हुई और खिड़की वाले शख्स को मुर्दा पाया। दूसरे शख्स ने अपना बिस्तर खिड़की के पास लगाने की फरमाइश की। नर्स ने ऐसा ही किया और कमरे से चले गई। इस शख्स ने कहनियों के बल बमुश्किल उठने की कोशिश की ताकि खिड़की से झांक सके, लेकिन इसे सिर्फ दीवार नजर आई। इस शख्स ने नर्स को बुलाया और पूछा कि यहाँ मौजूद मरीज वो सब कैसे देख लेता था जो वो मुझे बताया करता था। नर्स ने बताया वो शख्स नबीना था और ये दीवार तक देखने के काबिल नहीं था। वो शायद दूसरे मरीज में जिंदगी की लहर दोहराना चाहता था, इसे खुशी देना चाहता था। अपनी तकलीफ भूल कर दूसरों को खुशी देने से बढ़ कर दूसरी कोई खुशी नहीं, खुशी बांटने से बढ़ती है। आप भी दुनिया में थोड़ी सी खुशी की वजह बनकर इस दुनिया को मजीद बेहतर बनाएं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।